यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू हुई थी, अल्टरनेटिंग करंट याद आ जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो बेसिक चीजें थी, जैसे कि हमारा उद्देश्य क्या है ये चैप्टर पढ़ने का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या, कितने टाइप के होते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल एक ही चीज है, उसके अंदर क्या क्या काम हो रहा है, कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है, एनोड पे क्या काम हो रहा है, कैथोड पे क्या काम हो रहा है, कैसे एक मेटल से इलेक्ट्रॉन निकले और कैसे दूसरे मेटल पे इलेक्ट्रॉन जाके उस मेटल को मजबूर किए कि उसके इलेक्ट्रोलाइट से पॉजिटिव आयन से और रिडक्शन की प्रक्रिया संपन्न कर ली, ये सारी चीजें कल हमने देखा था। ऑस्मोटिक प्रेशर और साल्ट प्रेशर या कि सोल्यूशन प्रेशर, उसका दूसरा नाम सोल्यूशन प्रेशर है, क्योंकि वही चीज है लगभग कि क्या टेंडेंसी है वो भी हमने देखा। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल के तीन महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, जिसमें से ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज हेडिंग लेंगे कल के लेक्चर को। अगर मैं थोड़ा पीछे तक ले चलूं तो हमने कहा था कि एक मेटल यहां पे और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक ऐसा सोल्यूशन लिया गया है जिसमें इस मेटल के पॉजिटिव आयंस विद्यमान हो। मतलब ये कि दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कहें कि जो मेटल ली गई है उस मेटल का ही एक्वस सोल्यूशन हमें यहां लेना। जैसे अगर आपने इस मेटल के रूप में जिंक लिया तो यहां जिंक का एक्वस सोल्यूशन, आप जिंक सल्फेट ले लीजिए, ठीक। अगर इस मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की है वो पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज, कल हमने ये बात भी डिस्कस की थी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे और जब इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे तो इसके पॉजिटिव आयंस टूट टूट के इसमें गिरने, इस तरह से पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन इस लिक्विड में बढ़ता जाएगा, उसको वहां से जब टूट के आएगा तो वो कम पॉजिटिव होता जाएगा और लिक्विड ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा, चार्ज डिफरेंस पैदा होगा और चार्ज डिफरेंस के कारण यहां जो पोटेंशियल पैदा होगा उसको नाम दिया गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर। दूसरे बर्तन में यद्यपि होता एक ही बर्तन है और सेपरेट किया जाता है, बात की उसको सेपरेट किया जाता है, प्रैक्टिकली अगर हम दूसरे बर्तन में एक और रॉड लिए हैं, एक और मेटल लिए हैं, ध्यान रहे कि मेटल को मैं एम से डिनोट कर रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं कि जो ये मेटल है वही ये मेटल है, संभव ही नहीं है कि एक तरह के मेटल में हो जाए। अगर ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव है ये कम रिएक्टिव होनी चाहिए तब जाके यहां के इलेक्ट्रॉन वहां ट्रांसफर होंगे, ये बात बताने वाली नहीं। यहां भी उस मेटल का एक सोल्यूशन लिया गया था, उसके भी पॉजिटिव आयंस उस सोल्यूशन में विद्यमान थे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गए, यहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई और इस मेटल को इन्होंने मजबूर किया कि यहां से पॉजिटिव आयन ले आओ और अपने आप को न्यूट्रलाइज करो, और यही प्रक्रिया रिडक्शन कहलाती है। जब यहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई और इलेक्ट्रॉन्स इस चीज को, इस मेटल को मजबूर किए कि यहां से एफ प्लस आयन अपने ऊपर लो, और हमने जब वो
ऐसे साइकिल वाला कल बनाया था तो वहां पे हमने बताया था कि M प्लस आयन इलेक्ट्रॉन लेके अगर मेटल में कन्वर्ट हो जाए वह रिडक्शन कहलाता है और उसके लिए जिम्मेदार होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन प्रेशर से ज्यादा है तब। और जब ये काम हुआ, यहां पर रिडक्शन हुआ, यहां का कंसेंट्रेशन घटा, यहां का मास बढ़ा, यहां का मास घटा, ये बातें कल हमने डिस्कस की। ठीक है, क्या इस वायर के कनेक्ट करने से यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाने से इस मेटल का ऑक्सीडेशन, इस मेटल का रिडक्शन हो जाने से क्या सेल का काम हो गया? नहीं। क्या सर्किट कंप्लीट हो गई? नहीं। क्या ये बात आप देख पा रहे हैं कि यहां से जाकर यहीं तक सर्किट आई है और जब तक ये सर्किट दोबारा यहां नहीं जाएगी तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। अब समस्या इस चीज की ही है कि यहां से यहां तक की सर्किट दोबारा कैसे करें? क्या यहां से यहां हम एक तार जोड़ दें? नहीं, कंडक्टिविटी ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लिक्विड से लिक्विड में कंडक्शन करवाना है और लिक्विड से लिक्विड में कंडक्शन नॉर्मली कंडक्टिंग वायर द्वारा कर पाना एक इफिशियंट तरीका नहीं। इसलिए एक जरूरत पड़ी इंटरनल कनेक्शन की, एक ऐसी चीज जिसके द्वारा हम इंटरनल कनेक्शन दे पाए। वही चीज साल्ट ब्रिज के रूप में आपके सामने आने वाली है। साल्ट ब्रिज एक ऐसा ब्रिज जो कि सेल में इंटरनल कनेक्शन बना, क्या बनाता है? सेल का इंटरनल कनेक्शन कंप्लीट करता है, सर्किट कंप्लीट करता है। चलो ठीक है, साल्ट ब्रिज क्या है? इनवर्टेड इनवर्टेड ट्यूब फिल्ड विथ इनवर्टेड ट्यूब फिल्ड विथ साल्ट इनवर्टेड ट्यूब फिल्ड विथ ये बात आप समझ पा रहे हैं कि यहां से यहां तक जो कनेक्शन जोड़ेगा वो इसी की बात हम कर रहे हैं, वही साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या है? इन्वर्टेड ट्यूब फिल्ड विद साल्ट, एक इन्वर्टेड ट्यूब जिसमें साल्ट भरा होगा और वो साल्ट कौन कौन से होंगे वो भी आप जानते हैं, NaCl, KCl, NaO3 with agar-agar paste नहीं जानते हैं आप, जानते हैं ये साल्ट वहां पर सब एक साथ नहीं होते, चाहे NaCl को अगर-अगर पेस्ट के साथ मिला दीजिए, अगर-अगर पेस्ट एल्गेई का जेल होता है जिसके द्वारा जो साल्ट है वो गाढ़ा होता है। ठीक है, वो ट्यूब कुछ ऐसे होते हैं, वो ट्यूब कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे यहां पे कुछ कॉटन वूल लगा देते हैं जिससे कि मिक्स ना हो पाए, नहीं उसके साथ मिक्सिंग ना हो पाए, कॉटन वूल यहां पर लगा देते हैं। यहां पे ये साल्ट भरा ही होता है, यहां पे साल्ट भरा ही होता है। अच्छा, लिक्विड से लिक्विड कनेक्शन करने के लिए, कंडक्टिविटी करने के लिए जरूरी होता है साल्ट ब्रिज। ये चीज आपके माइंड में आ गई है, उसमें साल्ट भरा होता है, इन्वर्टेड ट्यूब होती है, साल्ट में ये भरे होते हैं। ठीक है, इनको लेना आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि इन आयंस की कंडक्टिविटी हाई होती है। अगर हम साल्ट ब्रिज के अंदर कुछ ऐसे सोल्यूशन ले लें जिनकी कंडक्टिविटी ही नहीं है तो फिर तो मतलब क्या है? अगर मैं इस पूरे सेल को
बनाओ, दो बर्तन हमने लिया, एक ये वाली रॉड थी पहले वाली मेटल था और ये बाद वाले मेटल था। चलिए ठीक है, हमने इनको इनको तो कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स लगे जाने लगे। लेकिन इनके इनके बीच कनेक्शन कैसे हो उसके लिए ये था, तो इस पूरे आइटम को ले जाके हमने वहां रख दिया। ये यहां से इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन के अंदर ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम फिजिक्स में पढ़े हैं वो यहां के लिए जिम्मेदार हो, थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहां पे होगा और हो गया। इसके बाद ये फिर कंडक्टिविटी चालू सर्किट कंप्लीट, यहां पे ये सारे बोल्ट भर देते हैं, यहां पे जो गोल उल वाला है वो लगा देते हैं, है ना। यहां पे मान लीजिए NaCl KCl जो भी आप भरना चाहें भर सकते हैं, ठीक है ठीक। अब एक जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये, अभी हमने कहा कि साल्ट के रूप में हम NaCl, KCl, NaNO3 with अगर पेस्ट, पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो हमने सेल बनाया, सेल का हमारा तात्पर्य है इलेक्ट्रोड्स, दोनों मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर इनमें से कहीं भी सिल्वर का, मर्क्यूरस का और या कि लेड का आयन मौजूद है, अगर सेल में इनमें से कोई भी आयन मौजूद है तो NaCl और KCl का प्रयोग साल्ट ब्रिज में ना करें, साल्ट ब्रिज में ना क्यों ना करें भाई, क्या आपत्ति है, आपत्ति है क्या, अगर सिल्वर मौजूद रहा, जैसे हम किसी इलेक्ट्रोड में सिल्वर लेंगे है ना, कॉपर एजी सेल होता है, कॉपर एजी सेल है ना, अब एक इलेक्ट्रोड है पूरा सिल्वर का, सिल्वर के आयन टूट टूट के बेचारे क्लियर कर लेंगे, इससे क्रिया कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे क्लोरीन से और सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी बन जाए, प्रेसिपिटेट अवक्षेप, जो कि इनसॉल्युबल है, सारा काम गड़बड़ हो जाए है ना, तो इसलिए ना करें। क्यों ना करें भाई, क्योंकि इनसॉल्युबल पीपीटी बन जाता है, ठीक। कैसे बन जाएगा देखिए, क्या क्या बन जाएगा, या कि सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा HCl2, या कि और दोनों का क्लोराइड, ये जो HCl2 है वो इनसॉल्युबल पीपीटी घुलनशील नहीं है, याद हो 10th क्लास में हम सिल्वर मिरर पढ़ के आए हैं, रजत दर्पण परीक्षण, हो सकता है 11th में भी मिला हो, शायद अभी ना मिला हो, एल्डिहाइड तो 11th में है नहीं, 12th में, तो 12th में मिलेगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार फिर से सिल्वर मिरर टेस्ट, वहां भी यही होता है, चमकदार चीज चांदी वहां पे जमा हो जाती है, तो इन सॉल्युबल है, पीपीटी है ये, ठीक है। ये क्लियर है कि अगर कहीं भी ये चीज है, ऐसा क्वेश्चन पूछ जा सकता है, बताइए इलेक्ट्रोड इसके इसके हैं तो बताइए कौन सा सोल्यूशन आपको यूज नहीं करना है, तो ये आपका ये होना चाहिए कि अगर ये है, या कि हम KCl कब नहीं यूज कर सकते हैं बताइए, इनमें से कौन सा हो कि हम इसमें किस 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 चीज का इलेक्ट्रोड नहीं ले सकते, अगर आप साथ में ये है तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखे रहिए। अच्छा, एक ख्याल और आ सकता है कि हम साल्ट ब्रिज यूज ना करें,
अगर साल्ट ब्रिज यूज ना करें, आपके मन में केवल ये चीज हो रहा है कि आप साल्ट ब्रिज यूज नहीं करेंगे, आप नॉर्मली एक ग्लास ट्यूब यूज करेंगे, खाली खाली ग्लास ट्यूब यूज करेंगे या कंडक्टिंग ट्यूब यूज करेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि यहां से जो भी आयंस आए वो इसकी सहायता से ऐसे ऐसे यहां पे आ जाएंगे, ऐसा आप सोच सकते हैं, ये आपका सोच हो सकता है। पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आप ये ना बोले कि यहां पे इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है। क्या ये बात आप जानते हैं कि कैपिलरी का जो आप एक्शन होगा तो चार्ज कम जाएंगे, लिक्विड ज्यादा भर जाएगा। विस्कोसिटी के आधार पर, कंसंट्रेशन के आधार पर क्या ये बात नहीं हो जाएगी कि ये लिक्विड कुछ ऐसे भर जाएगा इधर और ये लिक्विड कुछ ऐसे भर जाएगा इधर। और अगर ये सच में ऑक्सीडेशन वाला है, अगर ये सच में ऑक्सीडेशन वाला है और ये एनोड है, ठीक है, ऑक्सीडेशन वाला है तो क्या है, एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन, अगर ये ऑक्सीडेशन वाला है तो यहां पे पॉजिटिव आयंस की अधिकता नहीं होगी, और ये रिडक्शन वाला है तो यहां पे निगेटिव आयंस की अधिकता नहीं होगी। कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होता है तो यहां पे निगेटिव आयंस की अधिकता नहीं होगी। तो इस ट्यूब में भी यहां पॉजिटिव और यहां निगेटिव आयंस पहुंच जाएंगे, और ये आयंस का जो जंक्शन बनके तैयार हुआ, ये जंक्शन जो बनके तैयार हुआ इसको कहते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन, लिक्विड लिक्विड जंक्शन। और क्योंकि जंक्शन पे दोनों तरह के चार्ज उपस्थित हैं, इसलिए वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, पोटेंशियल पैदा हो जाएगा, और एट एलएल जंक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस, पोटेंशियल उत्पन्न हो गया, इट इज कॉल्ड एलएल जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इसका डायरेक्शन जो सेल का ईएमएफ होता है ना उसके अपोजिट होता है। जो ये एलएल जंक्शन पोटेंशियल है अपोज द ईएमएफ ऑफ सेल, अपोज द ईएमएफ ऑफ सेल के ईएमएफ का ये विरोध करता है। कैसे विरोध करता है वो भी अभी आपको स्पष्ट स्थिति होगी। अपोज द ईएमएफ ऑफ सेल सो इट इज हार्मफुल, इसलिए यह हानिकारक है या हानिकारक सेहत के लिए। कैसे? अच्छा, एक चीज आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज के बाद याद रखें कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन। ऐसा इसलिए कि एनायंस जहां पे ज्यादा होंगे वो एनोड कहलाएगा, एनायंस जहां पे ज्यादा होंगे वो एनोड कहलाएगा, और एनायंस कहां पे ज्यादा है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिव हुआ, ठीक है, और जहां पॉजिटिव हम एनोड एनायंस पॉजिटिव ही तो होते हैं, एनायंस के टाइम्स हम पढ़े हैं, तो एनायंस पॉजिटिव ही तो होते हैं,
अब केटायंस को पॉजिटिव कहीं कहीं कहा जाता है, वो कहने का मुद्दा कुछ अलग होता है, पर नॉर्मली जो सच्चाई है और जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, जहां पे एनायंस मतलब क्या पॉजिटिव आयंस की अधिकता है वो क्या है, एनोड है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है, एनोड की ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तार याद रखें, तार कैथोड रिडक्शन, तार कैथोड रिडक्शन, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। एक बात अगर हम चार्ज वाइज बात करें, चार्ज वाइज आप इतना लिखिए, मैं एक बहुत अच्छी चीज यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, चार्ज वाइज आप देख पा रहे हैं कि एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, चार्ज वाइज देखिए, ठीक है, चार्ज वाइज एनोड पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो होना ही था। अच्छा, अगर आप ये देखें कि सेल का टर्मिनल कहां है, सेल का टर्मिनल कहां है, तो हमने कहा कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर गए, तो हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, तो करंट कहां आएगी, करंट की डायरेक्शन तो ये होगी ना, मतलब करंट कहां से आती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, करंट कहां से आती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड रहा होगा तभी ना यहां से करंट आ रही है, तो टर्मिनल वाइज अगर हम टर्मिनल वाइज बात करें, टर्मिनल वाइज एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, आज के बाद ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि कब एनोड पॉजिटिव कब कैथोड पॉजिटिव, क्यों ऐसा कहा जाता है, एक्चुअल में कहते हैं फिजिक्स में कैथोड पॉजिटिव होता है और केमिस्ट्री में एनोड पॉजिटिव होता है, इसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि फिजिक्स में हमको सिर्फ बैटरी के टर्मिनल्स से मतलब होता है, उसके अंदर क्या हो रहा है उसमें मतलब नहीं है, तो टर्मिनल्स में देख रहे हैं कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव, और केमिस्ट्री में हमें चार्ज और उसके रिएक्शन से मतलब होता है, तो चार्ज वाइज अगर हम बात करें तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव, ये बात क्लियर है। एक बात और जो मैं ये क्लियर करना चाह रहा था कि कैसे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अपने मेन ईएमएफ का विरोध करता है, देखिए जो अपना मेन, अगर हम इसको एक बैटरी मान लें, ये चीज आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पे ऐसे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रहा होगा यहां निगेटिव, तभी तो करंट यहां से ऐसे जा रही है, ये चीज दिख रहा है, तभी तो ऐसे हुआ होगा, और यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव तो दिख ही रहा है, तो यहां पे जो बैटरी बनी है वो लगभग ऐसे बनी, दिख रहा है यहां पे जो बैटरी बनी है वो ऐसे बनी। अब अगर हम कंप्लीट सर्किट की बैटरी देखें तो क्या आपको ये चीज दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बहुत लगे हैं, ऐसा आप ना कहिए दो चीज पैरेलल में लग ही नहीं सकता भाई, अगर हम यहां रेजिस्टेंस जोड़ दें तो पैरेलल तो है, अब सीरीज बन गया ना, तो रेजिस्टेंस तो है, अगर ऐसा है सीरीज ही है एक तरह से अगर देखें तो, पॉजिटिव जाके टकराया किससे, पॉजिटिव से, और करंट में पड़े अगर ऐसा होता है तो ईएमएफ घट जाता है, बड़े में से छोटा घट जाता है और बड़े वाले, ठीक है, इसलिए ये यहां से ये है कि जो अपना लिक्विड लिक्विड जंक्शन है इस मेन ईएमएफ का अपोज करता है, इसलिए भी वो हमें कि आप खाली ट्यूब यूज ना करें, ठीक है, साइड ब्रिज में बातें समझ में आ रही है क्या क्या कैसे कैसे हुआ, बिल्कुल याद रखिए, क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया, कार को याद ही रखिए कहां क्या होता है। तो सेल के जो तीन अवयव होने थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल और साल्ट ब्रिज, वो हुए हैं, तीनों को मिला के एक सेल बनाते हैं, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल का एक बढ़िया उदाहरण देख लीजिएगा, स्वरूप डेनियल सेल, कैसे डेनियल सेल क्या कैसे होता है, तो डेनियल सेल में, डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल का एक उदाहरण है, बोर्ड के हिसाब से ही ज्यादा, कंपटीशन के हिसाब से तो कम,
इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल का नाम आते ही खासकर इलेक्ट्रोकेमिकल में जो हमने ये वाला गैल्वेनिक सेल पढ़ा उसके बारे में क्या क्या कैसे कैसे बनाते हैं वो पढ़ चुके हैं। आप ये चीज भलीभांति समझ गए होंगे कि दो आइटम चाहिए, मतलब दो बर्तन चाहिए, एक एनोड वाला होगा एक कैथोड वाला होगा, दोनों को साल्ट ब्रिज से जोड़ेंगे। एनोड कैथोड में क्या एलिमेंट्स लेने हैं वो मुद्दा है। तो आप ले लीजिए, मैं जैसे जैसे बना रहा हूं ना वैसे वैसे समझिए और ऐसे ऐसे एक्सप्लेन भी करिए, है ना। चित्र बना के संरचना का वर्णन जब आप करेंगे तो पेपर में ऐसे ही लिखना भी है, जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वही वही शब्द ऐसे ऐसे। तो क्या लिया हमने, इलेक्ट्रोड लिया। क्या लिया, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है भाई, पता नहीं है। एक हमने जिंक का ये रॉड टाइप कर लिया, ठीक है। क्या लिया, जिंक का। याद रखिए रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलता है कि कौन सी मेटल एनोड बनेगी, कौन सा मेटल कैथोड। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगी वो मेटल एनोड बनेगी, जो उससे कम रिएक्टिव होगी और वो कैथोड। हमने जिंक और कॉपर का सहारा लेके ये सेल बनाना चाहा है। जिंक कॉपर नॉर्मली डेनियल सेल जिंक कॉपर के ही बनते हैं, और आपकी श्रद्धा भाव हो तो कॉपर और एजी लेके भी बना सकते हैं, ठीक है। कोई दोरा नहीं है उसमें, पर याद रखें जब कॉपर एजी लें तो साल्ट ब्रिज में फिर AgCl NaCl नहीं, सॉरी NaCl और KCl नहीं लेंगे, फिर NaNO3 वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एक जिंक की राड लिया और एक कॉपर की राड लिया। देखना सेल की आसानी से बने, आप किताब में देखोगे बड़ा भयंकर चित्र बना रहेगा, परेशान हो जाओगे नहीं। और दोनों को एक वायर से जोड़ दिया। ये क्या करंट की डायरेक्शन है, नहीं ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, ठीक है। क्या सेल बन गया, नहीं टूटेगी नहीं, रिएक्शन कहां होगा। हमने एक बर्तन लिया बढ़िया से, कांच का बर्तन लेना ज्यादा अच्छा माना जाता है जिससे और रिएक्शंस ना हो। और हमने वहां हमने जो गैल्वेनिक सेल का अभी माहौल बनाया कल भी और आज भी, हमने कहा था कि जिस मेटल को यहां एम लेंगे उसी का पॉजिटिव आयन एक हम मिला होना चाहिए। मतलब ये जो सोल्यूशन है वो Cu2+ का एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। क्या है यहां पे Cu2+ का एक्वस सोल्यूशन, अम्लीय कॉपर सल्फेट का यूज कर, ठीक है। अच्छा यहां क्या भरा होना चाहिए, यहां क्या भरा होना चाहिए, आप खूब समझदार हैं। Zn2+ का एक्वस सोल्यूशन, अच्छा ये सारा जिंक सल्फेट की तरफ है, ठीक है भाई भर गया। यहां से यहां चला गया लेकिन इंटरनल कनेक्शन अभी नहीं, ठीक है नहीं। तो क्या करना, इसी दिन के लिए हमने क्या पढ़ा था, साल्ट ब्रिज। क्या पढ़ा था, साल्ट ब्रिज। ये कॉपर होल यहां पे लगा दिया जाता है ऐसे, और यहां पे हमने भर दिया क्या, आप अलग अलग कंपोनेंट पढ़ गया है इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये टफ लग रहा होगा, यही तो करना है। यहां पे हमने भर दिया क्या, मान लेते हैं कि हमने भर दिया KCl। क्या भर दिया, KCl। अगर अगर का पेस्ट है उसमें, ठीक है KCl का सोल्यूशन है और उसमें अगर अगर का पेस्ट है, इससे ये गिरे उड़े नहीं उसमें। KCl इसलिए क्योंकि पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन की जो कंडक्टिविटी वो बढ़िया होती है, आयन्स को कंडक्ट करने के लिए बढ़िया होती है, ठीक है। वो जो हमने लिखा था KCl NaCl और NaNO3 बढ़िया बढ़िया होती है, बढ़िया साल्ट ब्रिज, इसलिए नॉर्मली 99% केसेस में उन्हीं को यूज किया, ठीक है। कुछ कमी है क्या सेल में, नहीं कुछ कमी, बन गया सेल, कुछ कमी है क्या,
कुछ तो नहीं, बर्तन है, इलेक्ट्रोड्स हैं, साल्ट ब्रिज है, कनेक्शन है, क्या चीज है? अच्छा ये कैथोड है, हाँ है, क्या यहां रिडक्शन होगा? हाँ हो। ये एनोड है, हम्म, ये बर्तन है, काहे का, कांच का बर्तन, किस पहले मुझसे नहीं बन रही, बी एस ई सी लेवल पता नहीं, जैसे कुछ होता है, मैं बर्तन लिखूंगा उससे स्पेलिंग नहीं बन रही, ठीक है। ये क्या है? साल्ट ब्रिज है, ये क्या है? साल्ट ब्रिज, ठीक है, ये तो जो है ठीक सेल बन गया, जो जो किए हैं वही वही स्ट्रक्चर में आपको लिख देना, क्या कठिन है भाई, आप कह रहे हो मुझमानी सुना दोगे किसी को, कह दे दो, ठीक है। चलिए रिएक्शन कार्यविधि भी आप लिख लोगे, कार्यविधि वर्किंग क्या करोगे, जिंक जिंक सोल्यूशन से जब क्रिया किया, रिएक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, उसका ऑक्सीडेशन होना, ठीक है, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है इसलिए जिंक का ऑक्सीडेशन होना था, जिंक का इलेक्ट्रॉन निकलने लगा और जिंक के पॉजिटिव आयन जिंक देन 2 प्लस आयन 2 टूट के सोल्यूशन में गिरने लगे, जैसे जैसे वो सोल्यूशन में गिरने लगे सोल्यूशन गाढ़ा होता गया और जिंक की राड पतली होती, जब वह इलेक्ट्रॉन कैथोड पे रखी कॉपर राड पर पहुंचे तो कॉपर राड ज्यादा निगेटिव होती गई, जिसके कारण से कॉपर 2 प्लस का जो इक्वल सोल्यूशन था उससे कॉपर 2 प्लस आयन उस राड पे जाने को मजबूर हो गए, यही तो हम सब पढ़ चुके हैं, जब वहां पे Cu2 प्लस आयन पहुंचने लगे तो यहां से गए हुए इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज करने लगे और कॉपर राड दोबारा अपने मेटल अवस्था में आने लगे और इसी क्रिया को कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। इंटरनल करेक्शन के लिए हमने साल्ट ब्रिज का यूज किया जहां पे KCl नामक साल्ट भरा अगर अगर के पेस्ट के साथ, खत्म, यही तो लिखना है वर्किंग। चलिए रिएक्शन, एट एनोड क्या ऑक्सीडेशन होगा? हाँ, कैसे होगा? जिंक बदला है जिंक 2 प्लस में, साथ में डोल, एट कैथोड, Cu2 प्लस जो था वो दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में बदल गया, ये इक्वस है याद रखें, और ये हो जाता है बाद में सॉलिड, और ये होता है सॉलिड को बदल जाता है काहे में, ठीक। चलिए ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, टोटल रिएक्शन, नेट रिएक्शन, आई एड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो इधर है ZN और इसके इधर वाले साइड में है Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, उधर उधर है ZN2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस इसका इधर क्या है Cu, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो बचा क्या, ZN प्लस Cu2 प्लस, ये बदला है ZN2 प्लस प्लस Cu, नेट रिएक्स, ठीक है, नेट रिएक्स। एक बात गौर करिए, जिंक प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी, स्वाभाविक बात से दिख रहा है कि जिंक 2 प्लस में हुआ और आयंस बढ़ने को कहते हैं ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव आयन बढ़ना क्या है ऑक्सीडेशन, और पॉजिटिव आयन घटना क्या है रिडक्शन, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ, क्या अलग अलग समय में हुआ? नहीं, एक साथ हुआ, एक साथ हुआ, जिस समय जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था उसी समय
कॉपर का रिडक्शन हो रहा था और ऐसी रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सेल के अंदर होने वाली रिएक्शन का नेचर रिडक्स। क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, नोट करिएगा, सेल के अंदर होने वाली रिएक्शन रिडक्स रिएक्स, जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग ले रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन, टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन रेडॉक्स, टोटल रेडॉक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन रिएक्शन, उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए हैं? दो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन ना कहते ना, दो इसके दो इसके, दो इलेक्ट्रॉन। आप तो ये सोच के बैठिए कि जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करना है उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करना है? दो इलेक्ट्रॉन। ये एक सिंपल रिएक्शन है जहां पे आपको बैलेंस नहीं करना पड़ा है, हालांकि पड़ेगा भी नहीं जरूरत, लेकिन अगर मान लीजिए एडवांस लेवल पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए और वो जबरदस्ती कुछ अपने मन से नोड का कोड बनाने को कहे, जहां यहां एक इलेक्ट्रॉन, भाई यहां तो ठीक है, यहां दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन वहां पे कैंसिल आउट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि निकले दो और कैंसिल तीन हो, या कि क्या कैसे ज्यादा जरूरत पड़े, तो फिर आपको रिएक्शन बैलेंस करने की भी जरूरत पड़ सकती है। रिडॉक्स में आप अक्सर रिएक्शन बैलेंस करना सीखे होंगे, तो रिएक्शन बैलेंस करने के बाद भी जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे उतने इलेक्ट्रॉन फिर हिस्सा लें। बहुत बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनेगा वो, पर अभी नॉर्मली जरूरत के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। नोट करिए इसको, एक टर्म और मैं यहां लिख देता हूं, एक टर्म होता है QUO, क्यूसेंट, क्यूसेंट फैक्टर, बहुत कम बुकों में इसका नाम दिया गया है, पर देख लीजिए, एक और टर्म होता है क्यूसेंट फैक्टर, क्यू फैक्टर, फिजिक्स वाला क्यू फैक्टर नहीं है, वो क्वालिटी फैक्टर होता है, ये क्यूसेंट फैक्टर है, ये होता है कंसंट्रेशन जेडियम टू प्लस की कंसंट्रेशन अपान सीयू टू प्लस, एक्चुअल में सॉलिड की रिएक्टिविटी वन मानी जाती है, इसलिए उसका हिस्सा हम नहीं दे रहे हैं यहां पे। जैसे इस रिएक्शन में देखिए, ये सॉलिड स्टेट में आएगा, अगर हम स्टेट पे लिखें, और ये एक्वस स्टेट पे आएगा, ये यहां पे एक्वस स्टेट पे रहेगा, ये सॉलिड स्टेट पे रहेगा, ठीक है, तो सॉलिड वालों की रिएक्टिविटी वन मानी जाती है। नहीं तो जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो वहां पे कंसंट्रेशन का जो टर्म था वो केवल सॉलिड या केवल लिक्विड के उसमें नहीं था, वहां पे हमको सबको कैलकुलेट करना पड़ता था, इसलिए यहां पे केवल यही चीज ध्यान रखें कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन फैक्टर की बात करेंगे केवल एक्वस वालों की बात करेंगे, ठीक है, रिडक्शन वाला पार्ट मतलब इक्वल के उधर वाला पार्ट जो होगा वहां पे जो इक्वल इक्वस में होंगे उनका कंसंट्रेशन, क्योंकि वहां अब यहां से इक्वल के उधर वाले पार्ट में एक ही चीज है टू प्लस, उसका कंसंट्रेशन अपान जो इधर वाला है इक्वस में उसका कंसंट्रेशन, ये क्यों है? अभी मान लो पूछ लिया तो कंसंट्रेशन देखे नॉर्मली चेक करने के लिए, आप नाम सुने हैं या नहीं, उम्मीद है 80-90% लोग नहीं सुने हैं, मैं भी नहीं सुना था, बाद में कोटा में सुना गया तो याद आ गया, अभी अभी तो बता दिया, चलिए इसको मिलाते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का याद दिलाऊं
डेनियल सेल, उसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूं तो उम्मीद है कि आप कहेंगे E ZN से ZN2 प्लस का हम लगा के अलग करें, सही है? नहीं, लाइन लगा के अलग करेंगे क्योंकि फेज अलग अलग, ठीक यही है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यही, और रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ई सी यू टू प्लस से सी यू, ये है रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल निकालना क्वेश्चन में दिए रहने वाली चीज है, यदि अभी निकाला ही गया होगा कहीं से पर ये अपनी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ एक इक्वेशन लिखेंगे, अब इक्वेशन में तीन चीज हो तो दो चीज देखे एक चीज पूछ ले कहीं ये आ जाए वो अलग चीज है, लेकिन स्पेशली बिना कुछ हिंट दिए बिना कुछ किए ये चीज पूछ नहीं, कुछ परेशान ना हो, मन में क्वेश्चन आते हैं कि कैसे निकालेंगे इसको, नहीं दिया रहेगा इतना वोल्ट है ना, जैसे अब करंट का क्वेश्चन हो और वोल्टेज ना दे तो कैसे करंट निकालो, वैसे हम अगर सेल का ईएमएफ निकाल रहे हो है ना और अलग अलग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अपने को पता ना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, मुश्किल है, ठीक है। तो जब ये कैलकुलेट ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है ये किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी प्रेशर पे और किसी भी कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट किया जा सकता है, बात समझ रहे हैं, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन पे ये कैलकुलेट किया जा सकता है और कैलकुलेट करने के बाद आपको दिया जा सकता है, पर अगर टेम्परेचर को आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर जो है नहीं, हालांकि 27 मेडिकल के लिए सही होता है पर मान लो होता 25 है, प्रेशर को आप एक बार ले ली वो दूसरा वाला बार नहीं, और कंसंट्रेशन को एक मोलर ले ली, मोलरिटी पढ़े पढ़े या नहीं पढ़े पता नहीं पढ़े, एक लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को कहते हैं, तब मतलब इस कंडीशन पे अगर इनको कैलकुलेट करें तो नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है इसलिए स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट किया गया पोटेंशियल स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। तो अगर ये सब प्रैक्टिकल जब किया जा रहा था तो इस कंडीशन के अंदर किया जाए तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और फिर रिडक्शन पोटेंशियल नहीं स्टैंडर्ड रिडक्शन, ठीक है। दो टर्म और, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसओपी और ऐसा, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर इस पे कैलकुलेट किया जाए इतना हो जाए देन ओपी ओपी बन जाता है एसओपी और आरपी बन जाता है एस, स्टैंडर्ड नाम का सब चुट, ठीक है, अंतर कुछ नहीं है। अच्छा नोट करने का तरीका थोड़ा बदल जाता है, जैसे अभी ओपी को हम लिख रहे थे ई, ओपी को क्या लिख रहे थे ई, और अपने इस सेल के लिए जेडीएन टू सॉरी जेडीएन बदला था जेडीएन टू प्लस, ठीक है। तो एसओपी में बहुत डिफरेंस नहीं आया, ई नॉट लिख देंगे बस और बाकी भाई, मतलब कहने का ये कि बिना स्टैंडर्ड कंडीशन पर ई स्टैंडर्ड पोटेंशियल भाई ई नॉट, अगर आप सॉल्यूशन पढ़ के आए हैं राउल्ट का नियम वगैरह अगर आप पढ़ चुके हैं अभी तो वहां भी पढ़े होंगे ये सब ना, राउल्ट के नियम में भी जो प्रेशर के टर्म में आता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल वहां स्टैंडर्ड प्रेशर के जो कैलकुलेट किया जाता है स्टीपीएनटीबी पर तो वहां भी नॉट का टर्म आता है पड़े होगा, आरपी और ऐसा आरपी को कैसे किया, अगर हम अभी तक कर रहे थे सी यू टू प्लस काहे में बदला सी यू में, अब क्या कहेंगे ई नॉट बदलेगा सी यू टू प्लस काहे में सी यू में, आप स्टैंडर्ड और गैर स्टैंडर्ड का मतलब समझ रहे हैं,
अगर इस कंडीशन पे आप सब कुछ कर रहे हो तो स्टैंडर्ड। अगर कहीं क्वेश्चन में ई नॉट लिख दिया तो फिर वो उसको कहने की जरूरत नहीं है कि प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, फिर वो आपकी समझदारी है कि आप मान लें कि ये है कंसंट्रेशन, एक मोलर है, और अगर मोलरिटी की जरूरत पड़े तो वहां एक मोलर लिख के काम चलाइए, उसका वो कहने का तात्पर्य है। ठीक है, अभी आज तो नहीं पर कल परसों तक मैं अच्छे से निवेदन उसमें आएंगे, वहां दिखेंगे कि इसका असर क्या होता है। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए स्टैंडर्ड का ये सब पूरा। सेल पोटेंशियल, एक नया टर्म आपके लिए, सेल पोटेंशियल, सेल विभव, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उनका डिफरेंस सेल पोटेंशियल क्या है, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। बहुत बहुत अच्छी चीज, इलेक्ट्रोड्स, अच्छा अच्छी भी है कंफ्यूजिंग भी है, अभी अभी आपको कंफ्यूजन में पैदा करता हूं क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन लिखते क्या, बिटवीन लिख देता ज्यादा अच्छा है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस सेल पोटेंशियल। ठीक है, ये हो गया बैटरी, इस प्लेट का पोटेंशियल माइनस इस प्लेट का पोटेंशियल, भाई एक जगह अर्थिंग कर देते थे ई माइनस जीरो, ऐसे ही करते थे, यही तो फिर से मैं कह रहा हूं। अच्छा, एनोड के पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड के पास रिडक्शन, यहां गड़बड़ होता है। इसलिए जब इक्वेशन दी गई तो कहा गया ई सेल, सेल का जो पूरा ई है, स्टैंडर्ड का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, स्टैंडर्ड का नाम इसलिए ले रहा हूं कि मान ले रहा हूं कि उस चीज पे, ठीक है, तो हम ई नॉट से लेते हैं आपको, क्योंकि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो जाएगा फिर, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। चलिए ठीक है, ई नहीं यहां पर ओपी बस लिख, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, पहली इक्वेशन ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन को जिंदगी भर, सेल का ईएमएफ, सेल का पोटेंशियल क्या होता है ऑक्सीडेशन, आप इस चीज की चिंता ना करेंगे ये कहां से निकालेंगे, ये कहीं दिया रहेगा कुछ, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन कर दिया तो एसओपी आप एनोड है ना, इफ कंडीशंस आर स्टैंडर्ड अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है तो ई नॉट सेल बन जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो ये हो गया एसओपी ऑफ एनोड प्लस एसआरपी ऑफ स्पेरिंग कैथोड की, सही है कि पता नहीं, मैंने जाना डी ई होता है कि ई नहीं होता, ठीक है, जो भी भावनाओं को समझे, ठीक है, एक चीज की समस्या है, हमने यहां कहा था डिफरेंस बिटवीन, यहां ऐड कर दिया, इस बात को मैं क्लियर करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और एक रिलेशन, मान लेते हैं कि एक ए है, एक मेटल ए है, और ये बन गई है ए टू प्लस में और दो इलेक्ट्रॉन निकल गई, मान लेते हैं कि इसका एक्स वोल्ट का एसओपी है, इसका एस वोल्ट का कितना है एसओपी, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन,
अगर इसी मेटल एक ही अगर रिडक्शन हो रहा होता, इसी मेटल का अगर रिडक्शन हो तो क्या ये बात आप कहते हैं कि 2 प्लस में दो इलेक्ट्रॉन जुड़ के ए बन जाएगा? क्या ये बात बताना जरूरी है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो? एक्स वोल्ट। क्या एक्स वोल्ट ही होगा? नहीं, माइनस एक्स वोल्ट। थर्मोडायनेमिक्स में अगर आप पढ़े हो याद हो तो रिएक्शन उल्टा होने से पोटेंशियल में माइनस साइन लग जाता है। याद है कुछ? नहीं, रिएक्शन उल्टा होने से माइनस साइन लग जाता है। गिब्स हेल में उल्टा सब कुछ पढ़े, गिब्स एनर्जी वगैरह सब कुछ पढ़ के आए हैं वहां से ना, रिएक्शन में ऐसा है। खैर ये चीज है, यहां से क्या हम ये कहें, क्या यहां से कहें कि जो एसओपी है वो एसआरपी के उल्टा है? ये तो हो रहा है, एसओपी इक्वल टू इसमें एक माइनस लगा दो अलग से, जबरदस्ती माइनस लगा दो, माइनस माइनस बढ़ गया एक्स बन जाएगा। तो एसओपी इक्वल टू माइनस एसआरपी, एक बढ़िया चीज ये भी उसी मेटल के लिए, एसओपी इक्वल टू माइनस एसआरपी। अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट को लेकर, हालांकि तीन इक्वेशन हो चुकी थी, चलिए शुरू से ये सेल पोटेंशियल नहीं हेडिंग है इसलिए इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में इसका यूज करना चाहें, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करना चाहें, तो क्या ई नॉट सेल जो बनेगा वो बनेगा एसओपी ऑफ एनोड, एसओपी ऑफ एनोड माइनस, अच्छा एसआरपी को माइनस एसओपी लिखते, बात तो एक ही है, एसआरपी को माइनस एसओपी लिखते इस कंडीशन की सहायता से, एसओपी ऑफ कैथोड, एसओपी ऑफ एनोड माइनस एसओपी ऑफ, ठीक है, एसओपी ऑफ एनोड माइनस एसओपी ऑफ। अब हुआ डिफरेंस बिटवीन, चलो हमने ये थोड़ी कहा था कि एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लीजिए, एक का रिडक्शन पोटेंशियल लीजिए, एक ही चीज, चाहे ऑक्सीडेशन ही पोटेंशियल लीजिए चाहे रिडक्शन ही पोटेंशियल लीजिए, तब ये डिफिनेशन आपका सत्य है ना। अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लिए सही है, एसओपी ऑफ एनोड माइनस एसओपी ऑफ कैथोड, ठीक है, मतलब हर चीज पता होना चाहिए। अगर आपको एसओपी ऑफ एनोड एसआरपी ऑफ कैथोड पता है, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, ये फार्मूला आपको टोटल से मिल जाएगा। अगर एसओपी ऑफ एनोड पता है और एसओपी ऑफ कैथोड पता है तो घटा दीजिए, और अगर अगर हम कैथोड के टर्म में बात करें, अगर हम कैथोड के टर्म में बात करें तो यहां माइनस एसओपी एसआरपी ऑफ एनोड हो जाएगा, एसओपी ऑफ एनोड को माइनस एसआरपी ऑफ एनोड लिख सकते हैं क्योंकि एसओपी इक्वल टू माइनस एसआरपी। पढ़े ई नॉट सेल, क्या इस बार एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, एक ये भी बात हो रही, मतलब चाहे एसओपी पता हो दोनों का, चाहे एसआरपी पता हो दोनों का, चाहे एक एक पता हो दोनों का, हमारे पास हर ऑप्शन उपलब्ध है। एक चीज और, अगर एनोड का सॉरी अगर एसओपी पता है तो एनोड वाले में कैथोड घटाओगे, एसआरपी पता है तो कैथोड वाले में एनोड घटाओगे। इसका एक तात्पर्य है, घटाते तो हम हमेशा बड़े में छोटा ही है ना, घटाते तो हम बड़े में छोटा ही है ना, मतलब अगर अगर एसओपी बड़ा, जिसका एसओपी बड़ा वो क्या है एनोड, और जिसका एसआरपी बड़ा वो क्या है कैथोड। एक और रिजल्ट है, जिसका
जिसका एसओपी बड़ा हुआ एनोड, जिसका एसओपी बड़ा हुआ एनोड, जिसका एसआरपी बड़ा हुआ है, जिसका एनओपी एसओपी बड़ा हुआ एनोड और जिसका एसआरपी बड़ा हुआ कैथोड। ये भी इंपॉर्टेंट चीज, मतलब एसओपी आर एसआरपी दे के डायरेक्ट पूछ ले कि बताओ कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है ना, आप उस विषय में पकड़वा जाएंगे। ठीक है, इन चीजों पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप परेशान ना हो, डाउट और क्लियर होगा खूब अच्छे से। मैं बार बार आपको भरोसा दिलाता हूँ लेवल में कहीं से कोई कमी नहीं होगी और आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक लास्ट चीज जो आज के टारगेट पे है कि सेल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, सेल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, सेल इक्वेशन एनोड पर होने वाली इक्वेशन लिखोगे आप पहले। ठीक है, डबल लाइन से साल्ट ब्रिज को दर्शाओगे और फिर कैथोड। स्पेलिंग में बार बार कह रहा हूं ई होता है कि नहीं होता पता नहीं। अच्छा, तो इस जो हमने डेरियल सेल पढ़ा उसके लिए अगर हम फिलहाल एक नॉर्मली अगर हम लिखना चाहें तो एनोड में क्या होता है, ई नॉट, अगर स्टैंडर्ड की बात करें स्टैंडर्ड सेल इक्वेशन, यहां पर क्या लिख रहे हैं स्टैंडर्ड सेल इक्वेशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लिखने से नॉट बस का फर्क आएगा, बाकी कुछ फर्क आना नहीं। तो ई नॉट एम बदला एम टू प्लस में, डबल लाइन से अलग करेंगे, ई नॉट एम टू प्लस बदला एम स्टैंडर्ड है। अच्छा, हम यहां पे मेटल फर्स्ट लिख दें और यहां पे मेटल सेकंड लिख दें, आप ये टू टू में कंफ्यूज ना हो, ये अगर ये M2 जो मैंने लिखा है, ये इसका ये तात्पर्य है कि मैं कह रहा हूं कि ये दूसरी मेटल है, क्योंकि सेल में है ना सेकंड मेटल है ये, मतलब मैं बार बार इस चीज को अवॉइड कर रहा हूं, कंफ्यूज ना हो कि इस टू से कोई रिलेशन है। और ये जो M1 मैं कह रहा हूं, M1, ये M1 और ये M1, ये क्या है फर्स्ट मेटल, ऐसे लिखा जाता है। तो अगर हम डेनियल सेल की बात करें, डेनियल सेल का सेल इक्वेशन कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड में, E नॉट एनोड वाली इक्वेशन क्या थी, जिंक सेपरेट हुआ था जिंक टू प्लस से, साल्ट ब्रिज डबल लाइन को बांटेगा, E नॉट यहां पे क्या बटेगा CU2 प्लस डबल लाइन से सिंगल लाइन से सेपरेट होगा CU। ठीक है, अवस्था भी आप लिख दीजिए, यहां सॉलिड था यहां एक प्लस था यहां एक प्लस था यहां। ठीक है, इस तरह स्टैंडर्ड सेल इक्वेशन लिखी जाती है, लिखने का तरीका याद हो जाएगा। एनोड का पोटेंशियल इक्वेशन डबल लाइन साल्ट ब्रिज, डबल लाइन किसको डिनोट करता है, डबल लाइन किसको डिनोट करता है साल्ट ब्रिज। ठीक है, तो डेनियल सेल के बारे में आज हमने पढ़ा और सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का एक बड़ा मजहब का तरीका हमने सीखा, बटे नहीं समझे कि सेल पोटेंशियल है क्या, इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस। ठीक है, नॉर्मली आप न्यूमेरिकल्स के लिए याद करें सेल पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस। तो चाहे ऑक्सीडेशन है पोटेंशियल चाहे रिडक्शन है पोटेंशियल, ऐसे नहीं है ऑक्सीडेशन है ना, तो अगर बड़ा है तो एसओपी माइनस एसओपी आप एनोड माइनस एसओपी आप कैथोड, और आरपी के टर्म में ले रहे हैं तो एसआरपी आप कैथोड माइनस एसओपी आप एनोड, दोनों अलग ले रहे हैं तो एसओपी आप एनोड प्लस एसआरपी आप कैथोड। इस तरह से तीन इक्वेशंस हैं आपके सामने। अगर सिंगल मेटल के लिए बात करें तो एक मेटल का एसओपी उसके एसआरपी के निगेशन के बराबर होती है, एक मेटल की एसओपी उसके एसआरपी के निगेशन के बराबर होती है ना, एसओपी इक्वल टू माइनस एसआरपी, प्रूफ किया कहीं था ये लिखा है। ठीक है, पढ़ते रहिए, कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, ऑल द बेस्ट।